सो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले कस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड, इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 2% की गिरावट देखने को मिल रही है और ये स्टॉक करंट लेवल पर 266 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक के अंदर फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक के अंदर जो नीचे में सपोर्ट लेवल है वो 240 रुपीज पर है। 240 रुपीज के प्राइस पे स्टॉक लगभग 3 टाइम इस प्राइस को रिटेस्ट करता है और यहां से स्टॉक के अंदर एक बाउंस बैक देखने को मिल रहेगा। ऊपर में स्टॉक में एक डबल टॉप बन चुका है 274 रुपीज पर, जहां पर स्टॉक ने 2 बार सेम प्राइस को रिटेस्ट करने के बाद ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहेगा। स्टॉक अब काफी समय से देखें तो एक सीमित दायरे में स्टॉक ट्रेड कर रहेगा। तो अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक पोजीशन बनाना चाहते हैं तो नीचे में 259 रुपीज, जो कि स्टॉक का पहले एक रुकावट रेंज होता था, अब इस स्टॉक के अंदर वो एक सपोर्ट लेवल का काम करेगा और ऊपर के टारगेट अराउंड 275 रुपीज शॉर्ट टर्म टारगेट। और लॉन्ग टर्म में स्टॉक अगर इस प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर एक क्लोजिंग बना लेता है, स्टॉक थोड़े टाइम के लिए स्टॉक 275 रुपीज के पास कंसोलिडेट करता है तो वहां पर स्टॉक में एक सपोर्ट लेवल बन जाएगा और ऊपर के टारगेट अराउंड 300 रुपीज के टारगेट जल्दी अचीव होते हुए नजर आएंगे। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो एक स्टॉप लॉस के साथ ही पोजीशन बनाएं। इस बात का खास ध्यान रखें कि अगर स्टॉक नीचे में 259 रुपीज के प्राइस को ब्रेक डाउन कर देता है तो स्टॉक का जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो नीचे में 240 रुपीज के पास देखने को मिलेगा। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई गई है।